भाई है एकदम। एसी कोच का ही बहुत बुरा हाल है भैया। अंदर चल रहे, अंदर चल। बाप रे बाप, आज दौड़ी शुरू हो चुकी है। करेंगे, चले भैया, चलिए 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 चलिए। अरे भाई, आदमी का ठिकाना नहीं। दिव्यांग भैया जाएंगे, दिव्यांग दिव्यांग। गेट खोलिए। वाह भैया वाह, देख रहे हैं काला। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी की दिवाली मंगलमय रही होगी। फिलहाल मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और आज हम सफर करेंगे नई दिल्ली और दरभंगा के बीच चलने वाली डेली ट्रेन 12566 बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। ये होगी छठ स्पेशल ट्रेन जर्नी। ये है नई दिल्ली का 14 नंबर प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से हमारी बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस जाएगी। और प्लेटफॉर्म पे आप लोगों की भीड़ देख लीजिए। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की भीड़ है। वैसे अपनी बिहार संपर्क क्रांति पक्का दोपहर 1 बजे यहाँ चलेगी और कल सुबह 9:30 बजे पहुँच जाएगी दरभंगा। यानी लगभग 1170 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन तय करती है 20 घंटे 30 मिनट। और भैया, एक सैल्यूट इन पुलिस वालों को भी दे दीजिए जो इतनी सारी भीड़ को नियंत्रण करने में काफी सहायता कर रहे हैं। छठ से पहले जा रहे हैं अपने गाँव दिल्ली से, मुंबई से या कहीं से भी, तो अपने कीमती सामानों पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे मौकों पर चोर उचक्के भी काफी एक्टिव हो जाते हैं। हमारी बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है नई दिल्ली के 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे, देख लीजिए महाराज। और इस गाड़ी में चढ़ने के लिए ये जन सैलाब भी देख लीजिए, ये सभी के सभी बीएसके में समा जाएगी। यही है भैया अपनी दरभंगा, नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। पता नहीं चढ़ पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। वैसे इस भाग दौड़ी को कम करने के लिए अपने सिपाही साहब भी तैनात हैं। जनरल कोच में जर्नी करेंगे और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जनरल कोच सबसे आगे की ओर है जब ये ट्रेन दिल्ली से दरभंगा जाती है। लीजिए, भाग दौड़ी शुरू हो चुकी है, देख रहे हैं। पुलिस वाले हैं लेकिन फिर भी ये लोग लाइन से आने का नाम ही ले रहे हैं। देख लीजिए, बाप रे बाप, ये लोग भैया वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ट्रेन आई कि नहीं, मतलब शुरू हो गए। कोशिश करते हैं इस बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के अंदर जाने का, अगर अंदर चले गए तो ट्रेन जर्नी भी हो जाएगी। देख रहे हैं लाठियों की बौछार पड़ रही है, बाप रे बाप। देख लीजिए भैया महाराज, कितना बुरा हाल है फिलहाल, मारामारी हो रहा है, बाप रे बाप। बाथरूम में जगह मिलेगा हम महाराज जी, बाथरूम में जगह मिलेगा? वॉशरूम भी पूरा पैक है, चलते वॉशरूम में ही ट्रेन जर्नी करेंगे। चले भैया, चलिए 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 चलिए, बाथरूम सफर करेंगे, चलिए बाथरूम सफर करेंगे। ट्रेन निकल जाने वाली, ट्रेनों में भीड़ चल रही है, बाप रे बाप। अरे भैया, पहले उतर दीजिए महाराज, तब बोरा ठूसिएगा, बोरा सामान बाल्टी का बैग है वो भैया, बड़का बैग। देख रहे हैं आदमी से ज्यादा तो बोरा है, व्हाइट वाला बोरा, काला वाला बोरा। एक बोरा, दो बोरा, तीन बोरा, ड्राम 4-5, मतलब आदमी से ज्यादा बोरा बोरी इस ट्रेन में जा रहा है। अरे सबको अंदर ठेलिए, सबको अंदर ठेलिए। अरे जाने दे भाई, जाने दे, अरे भाई अंदर तो खाली है भाई। बड़े लोग तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची बेचारी फिसा रही है। देख लीजिए क्या क्या इस ट्रेन में। अरे भाई, आदमी का ठिकाना नहीं यार, तुम बोरा कहाँ डालोगे साला? किसका बोरा है भाई? अरे भैया, अरे ठेलिए मत भैया महाराज। अरे भाई, अरे रे 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 रे, अरे सब हो जाएगा भैया आराम से। उस अच्छे आदमी ने उस अच्छे बच्चे को बैठा लिया, उस अच्छे लोग भी है इस ट्रेन में। हमारी बिहार संपर्क क्रांति निकल चुकी है नई दिल्ली से
इतनी भीड़ थी कि जनरल कोच नहीं चढ़ पाए, स्लीपर में ही चढ़ गए। स्लीपर का भी हाल बहुत बुरा है, देख लीजिए स्लीपर कोच है ये, और हाल देख लीजिए आप, महाभारत जारी है। इसका सीट कंफर्म भी है ना भाई, उसे भी काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कंफर्म सीट वाले अपने ही सीट पर नहीं जा पा रहे। इस बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस में इतनी भीड़ थी कि भाई साहब जो है लोगों को अपने परिवार वालों को बैठाने आए थे लेकिन उतर नहीं पाए। हाँ इतना भीड़ था। गाजियाबाद में सीधा कानपुर सेंट्रल, दिल्ली से दरभंगा के रास्ते जयनगर तक जाने के लिए बहुत सारी 6 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, 8 से 9 स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन जानकारी के अभाव में भैया रेगुलर ट्रेन कर ही मारामारी होती है। जैसे ये हेलो अगला स्टॉप क्यों होता जाइएगा, अरे गाड़ी नहीं रुका, चलते रह गया, आप चलते रह गया, चल ही रहा है। अरे महाराज जी भीड़ भाड़ में जानते हैं चोर उचक्के भी मोबाइल को बैग में रख लिया एक्टिव हो जाते हैं। अरे मैं खुद मोबाइल ऐसे रख के हम आया हूँ, बहुत गंदा है इस भीड़ में मोबाइल, मैं सोचा पर्स चोरी हो जाए, नहीं पता मोबाइल कहाँ रखना है। हाँ नहीं तुम ऐसे लेके जाओगे देखा होगा। एक और बात है ना भैया की चोर उचक्के भी भीड़ भाड़ में फायदा उठाते हैं, अपना ध्यान से रखोगे तो कोई क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं निकल जाता। जैसा कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म पर ही बोला था कि इस भीड़ भाड़ के दौरान अपने कीमती सामानों पर विशेष ध्यान दीजिए, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया भैया उन लोगों का मोबाइल फोन पर्स गायब हो चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए महाराज जी, मोबाइल फोन 1 रुपए में नहीं आता। फिलहाल हमारी ये बिहार संपर्क क्रांति स्किप कर रही है यमुना रिवर को, देख लीजिए कितना गंदा नदी है, ये नदी बहुत ही काला पड़ गया है, देख के लग रहा है कि स्लीपर कोच है, जनरल से बुरा हाल है। महापर्व छठ से पहले इस बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ट्रेन जर्नी करना ये कोई मामूली बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए दिल्ली मेट्रो जा रही है उस ओर, देखिए ना वहाँ यहाँ बना हुआ टांगने वाला, बांध दीजिए उसको। बात की जाए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के किराए की, तो भैया अगर आप नई दिल्ली से दरभंगा जाते हैं इसके जनरल कोच में तो आपको देने होंगे मात्र 300 रुपये, वहीं स्लीपर का पड़ जाएगा 560 रुपये, थर्ड एसी का है 1470 रुपये, सेकेंड एसी का है पूरा पूरी 2100 रुपये, और फर्स्ट एसी भी मौजूद है जिसका किराया है 3550 रुपये, अलग से पेंट्री कार भी है, खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है इस बिहार संपर्क क्रांति। बाईस कोच की इस बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन में केवल 3 जनरल कोच हैं और तीनों आगे की ओर हैं, जब ये ट्रेन दिल्ली से दरभंगा जाती है तो 6 स्लीपर कोच हैं। लीजिए भाई साहब उतर गया, काहे उतर गए हो महाराज जी, भाई साहब उतर गए हैं, कूद गए। बाप जान जाए लेकिन उतरेंगे जरूर, बच गया बच गया बच गया, ये भाई साहब मरते मरते बचा है। भैया देखा आपने कैसे वो भाई साहब मरते मरते बचा, उसकी मम्मी ने जितिया किया हुआ कहा भैया, देखिए ये भाई साहब भी अपने भाई हैं, ये भी चढ़ाने आए थे लेकिन जब तक ट्रेन रुकेगी नहीं तब तक ये भाई साहब उतरेंगे नहीं, लेकिन कुछ भाई साहब होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नामक कोई चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं। आगे चलिए, हाँ हाँ बस 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 बस, बाय बाय बोलिए महाराज, बोलिए बाय बाय, बाय बाय। चलिए भैया सक्सेसफुली गाजियाबाद के आउटर पे उतर गए, बाकी अच्छा हुआ, बाकी वो वाली लाइन चली गई भैया मुरादाबाद मेरठ की ओर। वो है वॉशरूम, और वॉशरूम में भी लोग घुसे पड़े हैं, देख लीजिए बाथरूम लगेगा आदमी कहाँ जाएगा, हो बाथरूम में भी लोग घुसे पड़े हैं भैया महाराज जी। किसी स्पेशल ट्रेन को हमारी बिहार संपर्क क्रांति पीछे कर रही है, जनरल कोच जो पैसेंजर हैं मतलब खुद का ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े मोटरा मोटरी बड़े बड़े बैग लेकर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और इसलिए जनरल कोच से भाग के स्लीपर में आ गए। बाकी अपने महेश भाई हैं दरभंगा जा रहे हैं, भैया का भी जनरल टिकट है लेकिन स्लीपर में जा रहे हैं, फाइन मार देंगे। रफ्तार देखिए इसकी रफ्तार,
बहुत ही तेज रफ्तार में हमारी संपर्क क्रांति स्किप मारी है खुर्जा जंक्शन को, और अब दिखाते हैं आपको अलीगढ़ जंक्शन का स्किप। वॉशरूम जाने वाला तो भैया वॉशरूम जाएगा ही ना, एक वॉशरूम खाली कर दीजिए भैया, एक ऑक्यूपाइड है, एक खाली कर दीजिए। इसमें हिंदी लोग हैं, उसमें अंग्रेज लोग भरा हुआ है। ये वाला कर रहे हैं लोग खाली करने के। हाँ मतलब एक वॉशरूम खाली हो जाना चाहिए। अलीगढ़ जंक्शन स्किप कर रहे हैं हम, और उस वक्त शायद वहाँ मुझे एक्सप्रेस लगी हुई है। तो भैया महाबोधि एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से गया तक जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस को अलीगढ़ जंक्शन में पीछे छोड़ चुकी है, और हम अब आगे हो चुके हैं। वैसे हमारी ट्रेन सभी आगे आगे जा रही है, नई दिल्ली दरभंगा क्लोन, उसके बाद हम हैं, उसके पीछे महाबोधि, उसके पीछे है विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दीजिए ना, हाँ दीजिए एक प्लेट। पैसा फोन से पे करेंगे ठीक है भैया, कैश नहीं है, फोन से पे करेंगे। समोसा भैया, इस गाड़ी के कैटरिंग स्टाफ से आपको लिट्टी समोसा मिल जाएगा। लिट्टी समोसा 30 रुपये में, एक लिट्टी रहेगा और एक समोसा, लेकिन 30 रुपये लेंगे, मतलब 10 का सामान ये लोग 15 में बेच रहे हैं। भीड़ भाड़ है इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में मिल रहा है यही काफ़ी है, लेकिन फिर भी ये लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। भैया आप पैसेंजरों का सम्मान कीजिए महाराज, भैया पैसेंजर का सम्मान कीजिए महाराज, यात्री है, हम भी पैसा दिए हैं। एक मिनट, इसको साइड में रखने के लिए बना किया हुआ है, जगह रहेगा तभी तो रास्ता है। भैया जगह कहाँ है भैया, अभी बताइए, मजबूरियों में ये सब ऐसे ऐसे जा रहे हो, किसको शौक है बाथरूम में जाने का। ट्रेन में कितनी भी भीड़ हो, कैटरिंग स्टाफ को आने जाने का रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, मजबूरी के नाम पर ये लोग भी बहुत फायदा उठा रहे हैं। कुछ पेंट्री के स्टाफ होते हैं थोड़ा सा बदतमीज होते हैं, लेकिन बहुत सारे समझदार भी होते हैं। बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस के जो टीटी साहब हैं, जो कि टिकट चेक करने आते हैं इस स्लीपर कोच में, वो भी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हो क्या रहा है कि मान लीजिए मैंने जनरल का टिकट लिया है नई दिल्ली से दरभंगा तक का, और स्लीपर में आकर बैठ गए, तो क्या होता है कि जब फाइन आप मरवाइएगा ना, तो फाइन काटते वक्त जनरल का टिकट जो है उसका किराया माइनस हो जाता है। लेकिन ये टीटी साहब का सीधा कहना है कि जनरल टिकट का कोई वैल्यू नहीं है, आप पूरा पूरी 750 रुपये हमें दीजिए, मतलब जो जनरल टिकट लिए है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये हुआ पैसा ठकने का एक तरीका। जितने भी अपने भैया लोग हैं ना यहाँ बैठे हुए, सभी से उन लोगों ने फाइन काटा है, पूरा पूरी फाइन काटा है। सभी के पास जनरल टिकट है, लेकिन जनरल टिकट जो किराया है ना उसका किराया माइनस नहीं किया है। यहाँ देख लीजिए, भैया के पास ऑलरेडी नई दिल्ली से दरभंगा तक का जनरल टिकट है जिसका किराया है 320 रुपये, और इन्होंने 750 रुपये का फाइन भी मारा है। यानी जबकि इस जनरल टिकट का जो किराया है 320 रुपये वो माइनस होना था, लेकिन इस सर ने जो टीडी सर आए थे उसने माइनस नहीं किया। तो इस तरह का ठगबाजी जो है इस बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में टीडी साहब कर रहे हैं। जितने भी अपने भाई लोग जो है ना देख रहे हैं, सभी के पास जनरल टिकट है, लेकिन सर ने क्या किया है कि इस जनरल टिकट किराया माइनस नहीं किया है, वैल्यू नहीं है। हाँ बोला वैल्यू नहीं है, फाड़ के फेंक दो। टीडी साहब ने साफ साफ बोल दिया है कि इस जनरल टिकट को फाड़ के फेंक दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि जो अपने भाई लोग जो पैसा दिए हैं ना काउंटर पे, वो बेकार चला गया। और कह रहे थे कि वो यहाँ पे त्यौहार के समय में कोई वैल्यू नहीं होगा, त्यौहार के समय कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब केवल इस गाड़ी में वैल्यू नहीं होगा, और ट्रेन में तो होता है। फिलहाल टुंडला जंक्शन पहुंच चुके हैं हम, टुंडला जंक्शन जहां से आप जा सकते हैं आगरा की ओर। आराम से भाई, आराम से, लेडीज है, लेडीज है, आराम से, दिख रहा है भाई, फिर भी थोड़ा तमीज से बात करो, तसल्ली से जाओ, तसल्ली से, ठीक है, बात कर रही है कंडीशन भैया आप भी देख ही रहे हैं कितना गंदा कंडीशन है। जाइए वॉशरूम खाली हो गया। अरे दुर्गंध भी आ रहा है, नहीं ना, हाँ बाहर से हवा आ ही रहा है, तो सेंट मान लीजिएगा सेंट।
ये आगे भैया हम इटावा और उस ओर लगी हुई है इटावा कोटा एक्सप्रेस। फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज चुके हैं और हमारी बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस पार कर चुकी है इटावा। वैसे इस गाड़ी को अच्छी खासी प्राथमिकता मिल रही है, बहुत सारी सुपर फास्ट ट्रेनें जो इससे आगे थी जैसे महाबोधि, दरभंगा क्लोन, जो दिल्ली से दरभंगा जाती क्लोन हम सफ़र, उसे भी ये ट्रेन पीछे की है, यानी अच्छी खासी प्राथमिकता दी जाती है इस गाड़ी को। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पर इसमें ये नहीं बोला कि मैं सबसे मेरे पास लैट्रिन करना है इसको। क्या चीज करने गया? क्या चीज करने गया भैया? ये सुसु करने गया। खिड़की से करवाते महाराज। अरे बताया नहीं ना भाई मैं क्या करूं। अरे भाई आपने तो अपने पिताजी को परेशान कर दिया। अगर आपको दिवाली छठ से पहले घर आना है तो थोड़ा पहले आ जाइए, छठ से 3-4 दिन पहले मत आइए, नहीं तो फिर हराम हो जाएगा, ट्रेन जर्नी बहुत ही हराम हो जाएगा। हमारी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अहमदाबाद से पटना जाने वाली अजीमाबाद सुपरफास्ट को भी पीछे छोड़ चुकी है, यानी ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन आज तक हुई ही नहीं जो हमारी बिहार संपर्क क्रांति से आगे हो जाए। बहुत सारी सुपरफास्ट को ये गाड़ी ने पीछे छोड़ा है। कहानी खत्म करो यार। हाँ हाँ कहानी खत्म कीजिए, कहानी खत्म कीजिए महाराज। कानपुर आने वाला है, कानपुर कहानी खत्म कीजिए। भाई आगे घर तक लो। बाथरूम जाने को यार। तो भैया समय है शाम के 6:10 और हमारी बिहार संपर्क क्रांति पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। गाड़ी यहां एकदम ऑन टाइम पहुंची है और मैं सोच रहा हूं इस ट्रेन जर्नी को यहीं समाप्त कर दूं क्योंकि नहीं हो पा रहा है अब आगे जाना। देख लीजिए जनरल कोच कंडीशन, मतलब अभी भी लोग इस गाड़ी में चढ़ रहे हैं जबकि अंदर बिल्कुल जगह नहीं है। वॉशरूम का तो कंडीशन आप देख ही रहे हैं, चाहे स्लीपर हो या जनरल, मतलब जो भी कहा भैया हो, मजबूरी में बाथरूम में ही नाश्ता करना पड़ रहा है। बहुत सारे अपने भाई तो चढ़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि गेट को इन लोगों ने अंदर से ही लॉक कर लिया है और वैसे भी जगह तो है ही नहीं। लीजिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का सिग्नल भी हो चुका है, देख रहे हैं गेट ये लोग खोल नहीं रहे हैं। और सबसे गंदी चीज यही है कि ये लोग गेट अंदर से लॉक कर लेते हैं। बताइए दिव्यांग को भी जाने नहीं दे रहे ये लोग। अरे दिव्यांग है भैया, दिव्यांग। अरे भाई दिव्यांग है यार, जाने दो इसे भाई। अरे भाई दिव्यांग है भाई, जाने दो इन्हें। अरे भाई खिड़की खोलो भाई, गजब है मतलब। ये आदमी है बताइए, दिव्यांग पुरुष है बताइए। ये फाइनली बिहार संपर्क क्रांति निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। भाई साहब भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, मतलब टिकट तो वैसे दरभंगा तक का लिए थे लेकिन हो नहीं पाया। अभी भी लड़के लोग दौड़ ही रहे हैं, देख लीजिए ये है स्लीपर कोच का बाथरूम। स्लीपर कोच है ये, श्री सयनयान S1 कोच है, S1 बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। बहुत ही बुरा कंडीशन रहता है इस गाड़ी का छठ से पहले, दिवाली से पहले। अभी बहुत सारी ट्रेनें आने वाली है कानपुर सेंट्रल, चलिए आपको दिखाते हैं सभी ट्रेनों का जनरल और स्लीपर कोच है कंडीशन। ये गाड़ी हमसे आगे आगे थी लेकिन बाद में बिहार संपर्क क्रांति ने इसे पीछे किया है। देखिए महाबोधि एक्सप्रेस ऑलरेडी दिल्ली से पैक आती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानपुर से इस गाड़ी बोर्ड करने वाले हैं, वो भी जनरल कोच में। देख लीजिए महाबोधि एक्सप्रेस का जनरल कोच पूरा पैक है महाराज। यहाँ भी भैया लोग बड़े बड़े मोटरी यहाँ चढ़ाने वाले हैं, देख रहे हैं इस गाड़ी का बहुत बुरा हाल है, खासकर जनरल और स्लीपर कोच का। बाप रे आदमी का जगह नहीं है भैया और आप बड़ा बड़ा मोटरी ले लिया हो महाराज जी। हल्का सामान लेकर सफर करना चाहिए इस समय, तो बड़े बड़े मोटरा मोटरी ले लिए। उतरिए उतरिए महाराज, ये
और नई दिल्ली गया महाबोधि के जस्ट पीछे पीछे आ रही है अपनी फेवरेट ट्रेन विक्रमशिला सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये सबसे खराब चीज महाराज यही है, ये लोग अंदर से गेट लॉक कर लेता है। गेट लगा दिया, देखो नहीं खोल रहा है। अरे खुलवाइए गेट। पेंट्री स्टाफ देख लीजिए, पेंट्री स्टाफ का कारनामा, अंदर से गेट लॉक करवा दिया है, उसके बाद ये लोग अपना खाना पीना यहाँ रख रहे हैं। अरे भैया, रे 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 रे, अरे चढ़ने दीजिए भैया। हो महाराज जी, कितना बदमाशी करते हैं ये लोग। फिलहाल 12368 विक्रमशिला भी आ चुकी है कानपुर के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये गाड़ी तो आपको पता ही है, इस गाड़ी में हम पहले भी सफर कर चुके हैं, आपको जनरल कोच कंडीशन दिखाई थे। जनरल कोच का छोड़िए, स्लीपर कोच का जो ये गेट है बहुत सारे लोगों ने बंद करके रखा है। अरे भैया गेट खोलिए। अरे तो आप जाइए गेट खोलिए, खोलो। पूरा बाथरूम जो है पूरा पैक है, ये वाला भी गेट भी पूरा, गेट भी ये लोग अंदर से लॉक कर दिए ताकि वाह भैया वाह, आपको तो महाराज एथलीट होना चाहिए था भाई। जाने दो यार, जाने दो इसे, जाने दो भाई यार, नहीं तो चढ़िए चढ़िए महाराज चढ़िए। यह देख रहे हैं कलाकारी तो जनरल कोच में मिलती है देखने के लिए। बाय 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 बाय। अरे महाराज समोसा कहाँ खाइएगा बाथरूम में। मैं बाय 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 बाय। हो भैया आराम से खा पानी मिल तो आगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, समाप्त करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारी ट्रेनों का यही हाल होने वाला है, जो ट्रेनें बड़ी बड़ी शहरों से बिहार जाती है कुछ नहीं होने वाला है, स्पेशल ट्रेनें खाली जा रही है, और जो ट्रेनें नॉर्मल चलती है रेगुलर चलती है उसमें भैया पैर रखने तक जगह नहीं है।